आप लोगों को भी पता ही है भाई साहब, हिसार में खट्टर महोदय है हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, किसी चीज का उद्घाटन करने के लिए जा रहे थे और उनके विरोध में किसान इकट्ठा हुए थे, क्योंकि किसानों ने तो पहले से ऐलान कर रखा है कि इस दौरान अगर कोई भी बीजेपी का नेता आता है तो उसका किसान विरोध करेंगे। उसके बावजूद भी इस महामारी के काल में लोगों को मरवाने के लिए मनोहर लाल खट्टर हिसार पहुंचे और उनका विरोध करने के लिए जब हमारे किसान वहां पहुंचे तो उनका स्वागत लाठियों और गोलियों के साथ किया गया। तो अपने खेत खलिहान के लिए मर मिटने के लिए विश्वास रखते हैं, इसलिए किसान विरोध के लिए पहुंचे और उन पर लाठियां गोलियां चलाई गई, उसी के विरोध में हम यहां पर पहुंचे हैं। और यहां आज पूरे हरियाणा प्रदेश को आज बंद कर दिया जाएगा और अगर किसान संयुक्त मोर्चा का ऐलान आता है तो पूरे प्रदेश को, पूरे देश को भी बंद करने का काम करेंगे, पूरे देश की हर गतिविधि को रोक दिया जाएगा। कितने बजे तक करेंगे? आज 7 बजे तक का टाइम है जी, आज 7 बजे तक पूरा हरियाणा बंद रहेगा। हिसार में खट्टर साहब खुद कह रहे हैं कि धारा 144 लागू है और कोरोना बीमारी है, वो खुद सारा का सारा कानून को तोड़कर वो हिसार में आता है और हम किसान साथी 3 कड़ू कानूनों के लेकर हम विरोध करने जाते हैं। हमारे पे लाठी चार्ज करवाता है, 200 किसान साथी गिरफ्तार कर दिए, सैकड़ों साथियों के सिर फोड़ दिए, इसलिए हमने पूरे हरियाणा पंजाब में 2-2 घंटे के लिए शांतिपूर्ण जाम लगा दिया। ये अभी तो संयुक्त किसान मोर्चा का 5 से 7 बजे तक है, अगर ऊपर से जो कॉल आएगी उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। देखो आंदोलनकारी तो ये सब चलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो तो चलता ही है, मगर सरकार को बताना चाहते हैं शासन और प्रशासन, आम जनता किसान मजदूर की आवाज़ जितना दबाने की कोशिश करेंगे हम और ज़्यादा ताकत के साथ काम करेंगे। और कोरोना कोई बीमारी नहीं, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ मैं, कोरोना कोई बीमारी नहीं। कोरोना जब बीमारी मानेंगे तो अमिताभ बच्चन मर जाए जो ब्लंडर बना रहा था, या अमित शाह मर जाए, या नरेंद्र मोदी मर जाए, तब मान लेंगे हम ये ब्लंडर है सारा का सारा। कोरोना कोई बीमारी नहीं है, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, वही कहीं किसी को ऑक्सीजन की कमी है, मरिया कोई कोरोना में, यार सब बकवास है यार, देश को मार दिया देश। इस भाई पहले भी इस देश में लाखों लोगों ने कुर्बानी दी थी और लोग डरे बैठे हैं, आप अगर खुलकर लड़ोगे तो देश बचा लोगे, नहीं तो आपको कुत्ते बिल्ली मार मार के खाना पड़ेगा। देश बिक चुके हैं, बेच दिया मोदी ने। जो किसानों पर लाठी चार्ज हुई है उसके विरोध में बैठे हैं, क्योंकि किसान अन्नदाता है, दाता लग जाता है जिसके पीछे वो भगवान से भी ऊपर होता है, और आज अन्नदाता के ऊपर लाठियाँ चार्ज हुई है। शायद इससे बड़ा देश का अपमान कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि बाहर देश की रीढ़ की हड्डी है किसान,